ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जरा सोचिए, स्वयं भगवान पढ़ाने आए और पढ़ाते भी किस लिए हैं? सजाई देने के लिए। संसार में ऐसी कोई पढ़ाई नहीं हुई चारों युगों में जिससे किसी को राजाई मिलती हो। प्रशासन को ठीक चलाने की पढ़ाइयां तो होती हैं, कानून व्यवस्था की पढ़ाई भी होती है, लेकिन विश्व पर कोई राज कर सके ऐसी पढ़ाई कभी नहीं होती। जिसमें योग बल समाया हो, जिसमें श्रेष्ठ पवित्रता समाई हुई हो, बाबा हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ा देते हैं जिससे हमारे अंदर संपूर्ण योग बल आ जाता है और पवित्रता का बल हम धारण कर लेते हैं। इन दोनों के बल से ही कोई आत्मा विश्व पर राज करने के योग्य बन जाती है। अब तो संसार अनेक राज्यों में विभाजित है और एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण भी करते रहते हैं, लेकिन ऐसी महान आत्माओं का राज ऐसा होगा कि किसी को आक्रमण करने का संकल्प भी नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ से योग बल से सुसज्जित हैं। तो हम ध्यान दें ऐसी पढ़ाई पर, क्या हमारा संपूर्ण अटेंशन है या हम अपने कारोबार में इतने व्यस्त हो गए हैं कि पढ़ाई के लिए हमें फुर्सत ही नहीं है। हम ये तो कहते हैं कि बाबा से हमारा बहुत प्यार है, परंतु साथ में ये भी कह देते हैं पढ़ने की तो फुर्सत नहीं, हम तो देर से उठते हैं, देर से सोते हैं, घर में मेहमान आए थे, आज देर तक काम चला। तो बाबा कहते हैं, मेरे से यदि प्यार है तो उसका प्रत्यक्ष स्वरूप है मेरी पढ़ाई से प्यार। पढ़ाई का एक प्यार तो ये है कि हम रोज उसकी पढ़ाई पढ़ने आए, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि उस पढ़ाई को हम जीवन में धारण करते रहें, उसे फॉलो करते रहें, यही हमारा सच्चा प्यार होगा बाबा से और उसकी पढ़ाई से। तो हम अपने को चेक कर लें, क्या हम इस पढ़ाई को इतने ही महत्वपूर्ण ढंग से पढ़ रहे हैं कि इससे राजाई मिलती है। एक बच्चा जिसने MBBS कर लिया है, BTech कर लिया है, MD, MS या MTech करने की सोचता है, बहुत प्रयास करता है, कोचिंग लेता है, वो समझता है कि ऐसा करने से उसकी कमाई बहुत अच्छी होगी, उसका नाम रोशन होगा, वो अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। हमें भी क्या अपनी इस पढ़ाई की इतनी ही वैल्यू है? पुनः पुनः आज विचार करें, स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं, सृष्टि के गुह्य से गुह्य रहस्य खोल दिए हैं उसने। वो हमारी समझ में तभी आएंगे जब हमारी बुद्धि स्वच्छ होगी, पवित्र होगी। क्लीन भी हम बुद्धि को करें व्यर्थ से मुक्त और पवित्रता के बल से इसको पवित्र भी बनाएं, तो सृष्टि के सारे रहस्य भी हमारी समझ में आते रहेंगे। तो हम रोज की मुरली से कोई दो बातें अवश्य याद कर लिया करें। कितनी बार दिन में उन्हें याद करेंगे, उन पर मनन चिंतन होगा और व्यर्थ से मुक्ति रहेगी। चाहे कहीं उनको लिख के रख लें, स्लोगन वरदान लिख लें, जिससे हम बिल्कुल श्रेष्ठ स्थिति में रहें, चिंतन में रहें, क्योंकि बाबा की बातें तो बहुत गुह्य हैं, परंतु वो समय पर भूली रहती हैं। तो आज मनन शक्ति को बढ़ाते हुए, ये संकल्प करते हुए, सारा दिन इस नशे और खुमारी में रहेंगे, स्वयं भगवान हमको पढ़ाने आया है राजाई देने के लिए, राजाई देने। और एक सुंदर सा विजन बनाएंगे, सीन बनाएंगे,
बाप दादा सामने खड़े हैं और हमें ताज पहना रहे हैं। लो बच्चे, ये मैंने स्वर्ग रच दिया तुम्हारे लिए, अब तुम इसको संभालो। बहुत अच्छी अनुभूति होगी और साथ साथ बीच बीच में अभ्यास करेंगे कि सर्वशक्तिवान की शक्तियां मुझ में समा रही। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।